अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये डोलस का फ्रिज है, R600। इसमें गैस जलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन दबा दें। और इसमें खुली फिजा में इसके में गैस डालें और इसमें आग वगैरह भी साथ नहीं जलाएं। जब इसकी गैस रिचार्ज करें, पहले इसको अच्छी तरीके से टांके वगैरह लगा के और वाश वगैरह करके, ये आपको स्टिका भी नज़र आ रहा है पीछे लगा होगा फ्रिज के अंदर, पीछे आग वगैरह शोला ये बिल्कुल भी नहीं, साथ ही जलाना जब गैस की गैस रिचार्ज करें। और इसको अच्छे तरीके से इसको वाश भी कर दें। लेडी का टांका लगा दिया सेंटर का, तो अच्छी तरीके से टांके लगाएं ताकि ये लीक दोबारा नहीं हो। और इसका प्रेशर दे के 150 का इसका लीकेज अच्छी तरीके से चेक कर लें, ये कहीं से लीक तो नहीं हो रहा। और उसके बाद वैक्यूम कर लें। वैक्यूम करने के बाद ये हमारा वैक्यूम हो रहा है, इसको अच्छी तरीके से कम से कम 10 से 15 मिनट इसको वैक्यूम करें। वैक्यूम करने के बाद इसमें गैस रिचार्ज करें, कम से कम इसमें 40 का प्रेशर डालें, वो बंद में डालें और स्टार्ट नहीं करना। इसका 40 का प्रेशर डाल के ज़्यादा इसके अंदर गैस नहीं डालनी, बंद में आप 40 का प्रेशर रखना, उसके बाद आप स्टार्ट कर दें। स्टार्ट में इसका 0 से भी हल्का सा ये से नीचे कम रखना प्रेशर। अभी नहीं समझे, ये हमारा वैक्यूम पे वो चौंकते नहीं हो रहा है, लेकिन ये इसका गैस का प्रेशर कम रखना पड़ता है। जो 134 गैस है वो तो 4-5 का प्रेशर रखना पड़ता है, इसका 0 से भी कम रखना पड़ता है प्रेशर। ये हमने 40 का इसका प्रेशर डाल दिया, अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमारा स्टार्ट हो गया, ये 0 से कम चलेगा प्रेशर, इसमें बहुत गैस कम डलती है। ये R600 गैस डालनी है इसमें के अंदर, 134 कभी मत डालना गैस। अब डालो कंप्रेसर और आ जाएगी और चलेगी नहीं भी गैस। अल्लाह हाफिज़।